राधे राधे, ब्लॉग का स्टार्ट कर दिया जल्दीबाजी में। तो यहाँ पे हमने कर लिया पैकिंग, साफ सफाइयाँ करके जा रहे हैं घर में, क्योंकि जब जाते हैं ना तो जाते वक्त सफाई अच्छे से कर देनी, आने के बाद बड़ा अजीब सा लगता है, घर दिखा मिलता है, तो वही सब लग रही थी, खाना पीना नाश्ता पानी सब हो गया है और अब हम निकल रहे हैं, तैयार हो गए। तो यहाँ पर मैंने कुछ न्यूट्रिशंस ले लिया, अपनी सारी दवाई गोलियाँ ये रख लिए हैं और सब देखिए यहाँ पर मेरी पैकिंग हो चुकी है और पूजा मैंने कर ली है, जब दे दिया शिवान सब आजाद से मिलने गया है और अब हम निकल रहे हैं। तो चलिए अब मिलते हैं, अब पोती दीदी के यहाँ पहुँचेंगे हम पहले बड़ी दीदी के यहाँ से, वहाँ से शाम को फिर और मामा जी की बेटी को। सो गाइज हम निकल चुके थे यहाँ से घर से और रास्ते में मतलब दिल्ली हमने एंट्री की थी और शिवांश ना रास्ते भर मुझे बहुत प्यास लगी है, बार बार पानी पीना और फिर गन्ने का जूस देख के तो मुझे गन्ने का जूस ही पीना है। फिर हमने ब्रेक किया था थोड़ा सा और फिर इसे गन्ने का जूस पिलाया और फिर गन्ने का जूस पीने के बाद हम निकल लेंगे नोएडा की तरफ। अभी आपने देखा शिवांत ने गन्ने का जूस ही पिया था, तो हमने थोड़ा फिर चले थे और दिल्ली को क्रॉस करने के बाद यहाँ पहुँच गए थे हम फाइनली ग्रेटर नोएडा। और फिर ग्रेटर नोएडा में हमने एक कॉर्नर पे वहाँ से मैंगो लिए थे दीदी के घर के लिए और यहाँ ना भुट्टे भी भूल रहे थे, तो शिवांश देख के लेने लग गया था और शिवांश के चश्मे पापा ने लगा लिए थे, वही थोड़ी सी मस्ती चल रही थी। एंड इसके बाद फिर चलते हैं दीदी के घर के। हम कितने बजे पहुंच गए थे हमने, यानी कि हम निकले थे घर से 3:30 बजे और फ्रेंड्स हम निकले थे 3:30 बजे और रेनबो आप देख सकते हो, वाओ दिख रहा है ना। तो आज जैसे कि हम दिल्ली से स्टार्ट हुई बारिश और पूरे नोएडा एंट्री करते करते ग्रेटर नोएडा तक हम भीगे धीरे धीरे और अब रेनबो शुरू हुआ है, अभी हल्का हल्का सा ना धूप आप देख सकते हैं, बाकी वो नीचे सारे हैं। हम पहुँच गए फाइनली, ये रही दानिया, ये रहा शिवांश और दर्शन आपको करा दिए। हेलो अभी नए नए चेहरे दिखेंगे आप, फ्रेंड्स मैं पहुँच गई जैसे कि दीदी के यहाँ पहुँच गई हूँ और रास्ते में बारिश में भीग गई थी, तो मैं बालों को वॉश नहीं करके आई थी क्योंकि रात में ऐसे हो जाता फिर रास्ते में ना, तो और थर्सडे को मैं वॉश नहीं करती हूँ, तो आज फ्राइडे है और तो फिर मैंने बालों को वॉश कर लिया है और नहा ली हूँ मैं आती और बहुत ज़्यादा छींकें आ रही है, मेरे को बारिश में भीग गए थे ऊपर से बाल धोए नहाई तो बहुत ज़्यादा छींक आ रही है। और मैं यहाँ पर फटाफट से शिवांश को रेडी कर देती हूँ क्योंकि मैं अभी आपको दिखाऊंगी दुल्हन अंदर दीदी तैयार कर रही हैं, उनको दीदी और उनकी एक दीदी की और दो दीदी हैं मेरी यहाँ पर, बबीता दीदी हैं उनकी दोस्त हैं जो कि मोदी के अंदर दीदी साथ भी हैं, उनकी अपलाइन भी हैं वो, तो वो दोनों मिलके वो भी पार्लर का उनको बहुत अच्छे से आता है, तो दोनों मिलके दुल्हन कर रही हैं रेडी। तो मैं जब पहुँची थी यहाँ पर दोनों दुल्हन पहले से ही रेडी हो रही थी और पूरा कमरा में हक रहा था, उनका सारा सामान फैला पड़ा पूरे कमरे में, तो अभी वो रेडी हो रही है, मैं शिवांश को रेडी कर देती हूँ। और मैंने दाने से बोला, दाने मुझे अदरक की अच्छी सी चाय बना दी, बहुत ठंड लग रही है, मतलब आज ठंडा वाला मौसम हो गया तो मैं भी लाती हूँ। शिवांश ये शिवांश ना देखो, ये दीदी के नहलाना नहीं है, मुँह हाथ धोने बस, हाँ तो दीदी का ये वाला दूसरा रूम है, इधर आ दिखाती हूँ दुल्हन, कह रहा कौन सी दुल्हन, इधर आ, ये है दुल्हन, ये हम इधर आ, इधर आ, शर्मा क्यों रहा है शिवांश, अरे आ तो सही, मैं बस कर रही हूँ। नहीं होते बिफोर आफ्टर तो होना चाहिए, ये दोनों दुल्हन है, ये है गौरी और रमा है, छोटी है ये बड़ी है।
सब ऐसे रखना है बस मैं जगन्नाथ जी के दर्शन करा देती हूँ। मैं एक बार जय कर लेती हूँ। तो यहाँ पे दीपक जला दिए दामिया ने, जय शाम की आरती होगी, संध्या आरती, और संध्या आरती के दर्शन आप कर लीजिए। तो चलिए, जय जगन्नाथ जी, जय सुभद्रा, जय बलदेव जी, जय महाराज जी, छोटी सी लड़की गोपाल जी, बड़ी गोपाल जी। जैसे नेल पेंट वगैरह लगा लेती हूँ, नेल पेंट लगा लूँ, बाल बाल कम कर लूँ, बाल सूखने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। वैसे गर्मी में फैन चल रहा है तो सूख जाएंगे जल्दी से। और तो मैंने दुल्हन से आपको मिला दिया, बाकी आपको अभी पार्टी में पहुँचेंगे अभी, तो पार्टी में आप सबको मिलाऊँगी मैं सबसे, और जितना हो पाएगा तो जो मेरे देखते हैं, जो कम्फर्ट रहेंगे मेरी जुमाने के लिए उनको ले लूँगी, जो नहीं आना चाहेंगे उनको कोई ज़बरदस्त। तो यहाँ नमकीन चाय पी ली है यहाँ पर, और मैंने अपना सब सामान निकाल कर रख दिया। शिवांश का ये डार्क पिंक कलर का है और मैंने अपना सब निकाल के रखा है, तो मैं तैयारी कर लेती हूँ, शिवांश को पहना लेती हूँ, कपड़े चेंज करके शिवांश को नहीं निकालूंगी मैं। उस दूसरे वाले रूम में वहाँ पे तैयार हो गई है दुल्हन, मैंने जैसे कि दिखाया ये दूसरा वाला रूम। और मैं ना इसलिए थोड़ा सा घुमा के दिखा रही दीदी का रूम ना ये, और दिखाऊंगी भी मुझे मौका मिलेगा दीदी का, होम टूर भी कराऊंगी, क्योंकि मेरे पास एक कमेंट आया था, मेरी दीदी उनका कमेंट था कि दीदी के घर का होम टूर कराना कभी। यार ये अपने थका आ रहा था बेटा, क्या हाल है। बाबू जी घर पहले सकन से, बाबू जी घर पे हैं, रेडी हो चुकी हैं, ये देख सकते हैं आप। फाइनली हम रेडी हो गए हैं, दुल्हन जा चुकी हैं, और अब हम जा रहे हैं शादी की तरफ। अब दिखाएंगे आपको हम शादी में पहुंच के शादी का सारा फंक्शन शेयर करने वाले हैं। तो यहाँ पे भी रेडी अभी चल रहे हैं, कुछ बच्चे रेडी हो रहे हैं, कुछ हो चुके हैं, और बस अब निकलेंगे हम साथ साथ, और शादी देखने के लिए बने रहे वीडियो में। और मेरा फाइनली हो गया रेडी, जा रहे हैं पार्टी में। क्या हम पहुंच गए हैं शादी में, और पीछे सब लोग। अरे इधर देख, सुनो दीदी, ये हम शादी में पहुंच गए हैं, और खुशी देख सकते हैं दावत की, पहले जा रही है।